दोस्तों ये है बेंगलुरु जो कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है तथा बेंगलोर भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और देश का आईटी हब कहा जाता है। वर्तमान समय में ये शहर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है जहाँ पर TCS, विप्रो, गूगल और IBM जैसी दुनिया की कई जानी मानी कंपनियाँ मौजूद हैं। वहीं क्या आपको पता है कि बेंगलोर को इंडिया स्टार्टअप हब भी माना जाता है जहां से सालाना हजारों नए स्टार्टअप निकलते हैं। बेंगलोर को वर्तमान समय में बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है जो दक्षिण कर्नाटका में लगभग 741 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल एरिया पर फैला हुआ है। साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार बेंगलोर शहर की कुल आबादी 95 लाख लोगों की है जिसमें से 60% जनसंख्या तो सिर्फ प्रवासियों की है। जी हाँ, भारत के अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, बिहार और यूपी के लोग भी बेंगलोर में बसे हुए हैं जो कि इस शहर की इकोनॉमी में अहम योगदान देते हैं। भीड़भाड़ वाले मॉल, लोगों से खचाखच भरी सड़कें और गगनचुंबीय इमारतें, कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा आज के बेंगलोर शहर में। लेकिन इसके विपरीत बेंगलोर अपने हरियाली के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। इस शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और अपने सुहाने मौसम के कारण भी जाना जाता है। किसी और शहर के मुकाबले आज बेंगलोर में 280 के आसपास छोटी बड़ी झीलें और टैंक मौजूद हैं। बेंगलोर आज दुनिया के सबसे तेज गति से उभरते नगरों में गिना जाता है जिस वजह से यहां का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। इस शहर में नम्मा मेट्रो जैसी रैपिड रेल परियोजना काफी पहले से ही मौजूद थी अथवा इस पूरे नगर को मैसूर बेंगलोर वर्ल्ड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा गया है। और आइए अब जरा बेंगलोर के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डालते हैं। तो शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 87.67% की है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो इस शहर में 79% हिंदू, 14% मुस्लिम, 5.61% क्रिश्चियन और बाकी कुछ अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। हाल के दिनों में बेंगलोर लगभग 5.6% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की एस्टिमेटेड GDP 125 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बेंगलोर में बियर बार और पबों की सर्वाधिक संख्या है जिस वजह से इस शहर की नाइट लाइफ काफी चकाचौंध भरी होती है। यहाँ के क्लबों में देर रात तक नाच गाना और मौज मस्ती चलती है। यदि हम यहाँ के यातायात सुविधाओं पर नजर डालें तो ये शहर देश के अन्य हिस्सों से सड़क, हवाई मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। बेंगलुरु का मुख्य रेलवे स्टेशन बेंगलुरु सिटी सेंट्रल स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ छोटे बड़े कुल 6 और रेलवे स्टेशन भी हैं। यहाँ से बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा सहित देश के दूरस्थ हिस्सों तक कई ट्रेनें चलती हैं। वहीं बेंगलोर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है जो इंडिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ आप रोजाना कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ले सकते हैं। और आइए दोस्तों अब आखिर में जान लेते हैं इस शहर के सुनहरे इतिहास और यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में। तो ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि बेंगलोर का इतिहास लगभग 890 ईस्वी पूर्व का है। उस वक्त इसे कल्याणपुरी या कल्याण नगर कहा जाता था। ये पूरा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वहीं बाद में बेंगलोर शहर पर मुगलों और ब्रिटिशर्स ने भी सदियों तक शासन किया। यदि आप बेंगलोर घूमने का प्लान बनाते हैं तो आप यहाँ पर कब्बन पार्क, यूबी सिटी मॉल, विधान सौध, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, बेंगलुरु पैलेस और यहाँ के MG रोड की सैर कर सकते हैं।